तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी बुढ़िया, बुढ़ापे में पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जो है वो मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन रखी। पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो या तो जुम्मा के दिन हो या जुमेरात के दिन। आहा, बहुत चंगा नाम है। यानी शनिचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। तो उसने इतवार या मंगल को अपने बेटे की शादी रखी। एक लौता बेटा था, बड़ी धूमधाम और मसरूफियत का वो था मामला था। और बस शादी का एन दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, तो कहा कि किसका इंतकाल हुआ, मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी, पता नहीं चला तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई। बस इतना कहना था पीर साहब जनाजे में उठ के बैठ पड़ी थी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस। हुजूर वसवाक के पास एक शख्स आया मुरीदों ने, आपने उसको मुरीद कर लिया। वो घर गया, जाके सो गया। एक ही रात में उसको 70 मर्तबा इत्तेलाम हुआ। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। आप समझ गए? समझ गया। इंग्लिश वाले बेड ड्रीम कहते हैं, और आपको पता है 2-3 मर्तबा हुए तो कमजोरी का क्या हाल हो। बात तो सही है। ऊंची 70 मरतबा। किन्ने? 70 मरतबा। बोलो बोलो किन्ने? 70 मरतबा। ठीक है। और हर बार किसी नई औरत के साथ। ओरे बाबा। बाद औरतों को वो अच्छी तरह पहचानता था और बाद उसके लिए अनजान। सुबह जब उसने गुस्ल किया, हजरत वसवा की बारगाह में आया, कहने लगा, जी आपने कौन सी गर्म निगाह कर दी है, मेरा तो हाल बुरा हो गया। फरमाया, इस रात के वाक्य को बुरा मत समझ, बल्कि शुक्र कर जी अल्लाह का शुक्र कर। उसने कहा, मेरा हाल बुरा हो गया, आप कह रहे हैं शुक्र कर, इसी तरह रोज रात को हुआ तो मेरा तो देहांत हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। ठीक है। पर मैं जब तू मेरे पास मुरीद होने आया, तेरी पेशानी को देखा तो उसमें लिखा था तू 70 मरतबा जिना करेगा। फिर मैंने लोहे महफूज में देखा, निकाह मारी लोहे महफूज पर। मैंने इसीलिए महफूज किया है कि अल्लाह वाले अल्लाह की अता से देख ले। पर मैं वहां देखा तो वहां भी लिखा हुआ था कि फलाओ 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 के साथ तुम ये काम करोगे, औरतें बुलिए वगैरह सब वो भी बता दिए। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद होकर ऐसा करे जी। अब ये मेरा मुरीद हो रहा है तो मुरीद होने के बाद भी ऐसा करेगा, तो मैंने दुआ की, या अल्लाह इसकी तकदीर बदल दे और इस गुनाह से इसको बचा ले। तो अल्लाह ने वो काम जो तुमने जागते हुए करके गुनाह कमाना था, अल्लाह ने ख्वाब से बदल दिया। रुको जरा, सबर करो। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे, उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है, उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? चस आ गई कि नहीं? अरे मेरे बेटे, बड़ा दिल दहलाने वाला वाकया है। अरे बता मेरी माँ, छोड़ मेरे बेटे, नहीं बता मेरी माँ। मेरे बेटे अब्दुल कादिर, क्या बताऊं, तू मेरे पेट में था उस वक्त, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा खादिमा से पूछ कौन है, तो खादिमा ने जा कहा कि एक फकीर है, अल्लाह के नाम पे कुछ मांग रहा है, जा कह दो वो बाद में आएगा, अभी कोई मर्द नहीं है। जब फकीर ने सुना कि अंदर कोई मर्द नहीं है, उसकी नीयत खराब हो गई, चोरी करने के इरादे से पूरी नीयत लेके अंदर आ गया। अचानक वो पीछे सेब की और खजूरों की बाग है, उससे निकल करके एक शेर आ गया और दहाड़ा अंदर आ गया, चोर पर हमला किए, उसके जिस्म के 2 टुकड़े किए, निकल गया बागात की तरफ। गौस पाक मुस्कुराए, फरमाते हैं मेरी माँ उस शेर को पहचानती हो? कहा नहीं, कहा वो अब्दुल कादिर ही था। मजीद ऐसी कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।